खरगोन जिले में मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के जामगेट पर चार अज्ञात बाइक सवारों ने कट्टे से एक युवक पर फायर कर दिया। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में घटना संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया और महकमे के साथ विवेचना शुरू की और वीडियो फुटेज के आधार पर कुछ चेहरों का खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित करके फुटेज को सभी ग्रुपों में वायरल किया। पुलिस अधीक्षक की माने तो फरियादी पक्ष ने इन अज्ञात चेहरों को पहचानने की बात कबूली है और अब पुलिस मामले की पड़ताल करके जल्द खुलासों की संभावना जता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। कैसे मतलब पानी आ गया था तो एक पेड़ के नीचे रुके, इतने में वो आ गए, वो भी आ गए, वो जैसे उतरे वैसे कट्टा टांग लिया। कितने लोग थे वो? चार जन। चार जन तो क्या बोला आपसे? उन्होंने बोला कि मोबाइल दे। अच्छा। उन्होंने दिया नहीं तो बोले कि ज़्यादा होशियार मत बनो, लकड़ी दो तीन मारी तो मैंने तो उसको धक्का लगा के बहुत कोशिश की तो वहाँ से इतनी दूर गाड़ी बहुत मार दी। कहाँ की घटना है? जामगेट। जामगेट की घटना। आप क्या करने गए? बर्थडे में गए थे। बर्थडे में गए थे? उसका बर्थडे। उसका बर्थडे क्या नाम? पता नहीं क्या नाम। तुम्हारा नाम क्या है? विशाल। कहाँ रहते हो तुम? सोमाखेड़ी। सोमाखेड़ी। कहाँ से आ रहे थे तुम वापस? अच्छा, जामगेट से वापस आ रहे। ठीक सर, जामगेट वाले मामले में 10,000 का आरोप पकड़ने से इनाम घोषित किया गया। देखिए, 6 तारीख को जामगेट क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें कि पीड़ित व्यक्ति के पैर में एक कट्टे से गोली मार के चोट पहुंचाई गई थी। ये घटना बहुत ही संवेदनशील थी और इसमें लगातार हमारी टीमें काम कर रही हैं। ये जानकारी में आया है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ चेहरे सामने आए हैं जिसको फरियादी ने भी पहचाना है। वो हमारी घटना के प्रमुख सस्पेक्ट हैं। उन लड़कों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने नियमानुसार 10,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया है और वो पूरी जानकारी उसके ह्यू एंड क्राई नोटिसेज जो हैं हमने सभी जगह शेयर किए, वायरल किए हैं। उनके चेहरे को पहचान के जो भी इस घटना में सूचना देगा उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और उसको 10,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो इसमें निश्चित रूप से जब ये जानकारी आम पब्लिक तक जाएगी, हमने सभी ग्राम पंचायतों के ग्रुपों में, अपने जो पेशा समितियाँ बनी हैं उनके ग्रुपों में, अपने पुलिस के तमाम ग्रुपों में, मीडिया के ग्रुपों में शेयर किया है। ये जानकारी इंदौर रूरल क्षेत्र में, धार क्षेत्र में, बड़वानी क्षेत्र में शेयर की गई है। इससे फीडबैक आएगा और निश्चित रूप से जल्दी ही आरोपी पकड़े जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।